हेलो दोस्तों, कुछ नया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम आ गए हैं अडालज स्टेपवेल। अडालज स्टेपवेल गांधीनगर से 10 किलोमीटर दूर है। गांधीनगर से आप रिक्शा से या बस से भी यहाँ पर आ सकते हो। सामने दिख रहा है वो मेन गेट है और यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। वाव को देखने के लिए इंडियन पर्सन की 25 रुपये प्राइस है और विदेशी पर्सन की 300 रुपये प्राइस है। अंदर आते ही आपको ये गार्डन देखने को मिलेगा और सामने दिख रही वो वाव है। अंदर आते ही यहाँ पर एक बोर्ड है जो वाव का इतिहास है उसके बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम वाव की बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और यहाँ से वाव में अंदर जाने का रास्ता है, आप देख सकते हो। वाव के अंदर जाने के लिए यहाँ पर स्टेप बनाए गए हुए हैं। इस वाव का आप आर्किटेक्चर भी देख सकते हो, बहुत ही अद्भुत आर्किटेक्चर है यहाँ पर। वाव के अंदर आने के लिए हम तीन साइड से अंदर आ सकते हैं। ये देखिए पूरा व्यू मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इस वाव का शिल्प कला तो विश्व प्रसिद्ध है, हजारों लोग इसे देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस वाव के इतिहास के बारे में बात करें तो इस सुंदर वाव के पीछे कितना दर्दनाक इतिहास है वो कोई नहीं जानता। आइए आज हम आपको इस अडालज की वाव की सुंदरता के साथ इसकी सचोट और ऐतिहासिक गाथा सुनाएंगे। पुराने कथाओं के अनुसार 15वीं सदी में धंधेराज पानी का सामना कर रहा था। यहाँ की प्रजा बारिश के पानी से ही निर्भर थी, अगर सूखा पड़ जाए तो लोग परेशान हो जाते थे।
इस परेशानी का हल निकालने के लिए राजा वीर सिंह ने यहाँ पर एक विशाल वॉर घर एवं निर्माण का काम शुरू करवाया। यह परियोजना पूरी होने से पहले उसके साम्राज्य पर मुस्लिम हमलावर मोहम्मद बेगड़ा ने हमला कर दिया। वीर सिंह इस युद्ध में शहीद हो गए और आक्रमणकारी ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। वीर सिंह की विधवा रानी रूपबा, उसका एक और नाम था रूडाबाई, वो बहुत ही स्वरूपमान थी। उसने अपने पति के साथ सती होकर अगले जन्म में वही पति पाने का निश्चय किया, लेकिन बेगड़ा ने रूडाबाई को सती होने से रोक दिया और उनके साथ शादी का प्रस्ताव रखा। कहते हैं रूडाबाई ने चतुराई का उपयोग करते हुए कुछ शर्तों पर बेगड़ा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनकी शर्त के अनुसार वाव का अधूरा काम पूर्ण करने के बाद ही वो शादी करेंगी। यह सुनकर बेगड़ा बावरा हो गया और वाव का अधूरा काम जल्द ही पूरा करने में लग गया। जब यह वाव तैयार हो गई तब रूडाबाई को अपने वचन याद दिलवाया। रूडाबाई अपना वचन निभाने के लिए वाव तक आई और वाव को ध्यान से देखा। रानी ने अपने पति द्वारा शुरू किए गए प्रपल पूरा करने के उद्देश्य प्राप्त कर लिया था और उन्होंने अपने जीवन समाप्त करने का फैसला किया। अपने पति को याद किया और देखते ही कुएं में छलांग लगा दी और रूडाबाई इस तरह सती हुई। स्वामीनारायण के एक पुराने धर्मग्रंथ में बताया गया है कि मरने से पहले रानी रूपबा ने संतों से इस वाव में स्नान करने का अनुरोध किया था ताकि वाव का पानी इस संतों के स्नान करने से शुद्ध हो जाए और उन्हें इस पाप से मुक्ति मिले। तो दोस्तों, ऐसा एक इतिहास इस वाव का था। यह वाव 5 मंजिल की बनी हुई है। मैं आपको इस वाव का पूरा व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए, ऊपर की मंजिल का सारा व्यू है। अब हम वाव की ऊपर की साइड जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ऊपर से ये वाव इस तरह दिखती है। मुझे तो यह जगह बहुत ही अच्छी लगी है। अगर आप गांधीनगर की साइड आ रहे हो तो अडालज जरूर आना।